हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम शशांक याग्निक है। आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत वेलकम। और जो भी कुछ खबरें रहती हैं क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड, वो सारी की सारी मैं आपको इस वीडियो में हर रोज़ बताता हूं। तो आज भी आप सबके सामने ये वीडियो है। जल्दी से शुरुआत कर लेंगे जो भी कुछ आज की बड़ी बड़ी खबरें आएंगी। लेकिन जो एक हाईलाइटिंग खबर है उसको सबसे पहले बता देता हूँ कि भाई किस बारे में हम बात करेंगे। भाई टीम इंडिया ने विराट कोहली का जो ये 100वां टेस्ट मैच है, एक तोहफा देने का प्लान किया है। अब वो तोहफा क्या है इसके बारे में हम वीडियो में आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और जो बड़ी बड़ी खबरें उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली खबर के साथ हम शुरुआत करते हैं। भाई अब क्योंकि एक मेमोरेबल मोमेंट है और इंडियन क्रिकेट के लिए भी बहुत बड़ा मोमेंट रहेगा, तो इस वजह से BCCI ने अब फैसला लिया है कि मोहाली का जो मैदान है जहाँ पर श्रीलंका और इंडिया के बीच में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा सीरीज़ का, इसमें क्राउड को अलाउ कर दिया जाए। तो अब 50% क्राउड अलाउड रहेगा मोहाली के मैदान में जा करके। भाई मैच देख सकते हैं आप, अगर आपको मैदान में जाना हो, मैच देखना हो, तो आप जा सकते हैं। क्योंकि कोविड रीजंस से पहले तो इसके चलते क्राउड को अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन अब BCCI ने फैसला लिया है कि 50% क्राउड को अलाउ किया जाएगा। तो एक ही अच्छी खबर है फैंस के लिहाज से। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो फिर जसप्रीत बुमराह आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे बातचीत हुई, उनसे सवालात किए गए और उनकी तरफ से विराट कोहली का जो 100वां टेस्ट मैच है उसको लेकर के बयान आया। उन्होंने बोला कि विराट कोहली की जो भी उपलब्धियां रही है उसमें एक जो बोलते हैं ना अंग्रेज़ी में फैदर ऑन द कैप, तो अनदर फैदर ऑन द कैप उन्होंने बोला कि विराट कोहली की जो इतनी सारी उपलब्धियाँ रही है उसमें एक और उपलब्धि शामिल हो जाएगी। और विराट कोहली जैसा कैरेक्टर, जैसा प्लेयर देखने के लिए नहीं मिलता है। जसप्रीत बुमराह ने उनके अंडर ही अपना टेस्ट का डेब्यू किया था और आज जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन है और विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली को बहुत बहुत बधाई दी है इस चीज़ के लिए। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। तो फिर भाई श्रीलंका के खिलाफ जो मैच होने वाला है उसमें पिच कैसा बिहेव करेगी, क्योंकि T20 सीरीज़ तो आपने देखी, उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, सिंगल हैंडेडली भारत जीता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट सीरीज़ में उम्मीद ये है कि श्रीलंका की टीम फाइट देगी भारत को। और किस तरह की पिच रहेगी, क्या कुछ रहेगा, उस पर थोड़ा सा अपडेट अभी आया है। जो पिच क्यूरेटर हैं उन्होंने बोला है कि ये जो पिच रहेगी ये गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों को मदद देगी। शुरुआती जो समय रहेगा पिच में मॉइस्चर रहेगा, ऐसे में तेज़ गेंदबाजों को यहाँ पर मदद मिलेगी। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, सूरज जब निकलेगा, तो फिर पिच से मॉइस्चर जाएगा और फिर तब बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तब बल्लेबाजों के लिए ये पिच मददगार हो जाएगी। तो यानी कि न्यूट्रल पिच रहेगी, ये गेंदबाजों को भी यहाँ पर मदद मिलेगी और बल्लेबाजों को भी यहाँ पर मदद मिलेगी, एक बड़ी खबर है। अब बात करते हैं उस तोहफे की। भाई तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और बुमराह आए, तो फिर विराट कोहली को लेकर के उनसे 100वें टेस्ट मैच के लिए पूछा गया। तो बुमराह ने बोला कि जो भी एक तोहफे वाली चीज़ है विराट कोहली को, हम एक जीत का तोहफा देना चाहते हैं और अगर हम मैच जीतेंगे तो ये विराट कोहली की सबसे बड़ा हमारी तरफ से गिफ्ट होगा। तो एक ये जेस्चर है टीम की तरफ से, विराट कोहली के लिए बहुत बड़ा मोमेंट रहेगा। किसी भी प्लेयर का 100 टेस्ट मैच खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और जिस तरह की उनकी विराट की फिटनेस है उसकी बदौलत ही ये सब कुछ हुआ है। तो इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी बड़ा मोमेंट माना जा रहा है और टीम इंडिया की तरफ से भी यही कहना है कि भाई इस मैच में जीत विराट कोहली के लिए हमारी तरफ से तोहफा होगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो फिर श्रेयस अय्यर का दरअसल एक इंटरव्यू हुआ है और उस इंटरव्यू में कुछ कुछ बातें अहम हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। तो उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर के मतलब सवाल किया गया था श्रेयस अय्यर से, तो उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा की कप्तानी वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पर दोनों साथ में खेल चुके हैं। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में एक खास चीज़ उन्होंने देखी है, रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के तौर पे सोचते हैं और फिर डिसीजंस लेते हैं। सपोर्ट स्टाफ हो गया या फिर प्लेयर्स हो गए, उनसे क्या चाहिए रोहित शर्मा को, ये रोहित शर्मा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इस बात को कन्वे भी करते हैं, कैसे लेना है रोहित शर्मा को ये सारी चीज़ें भी पता है। तो इसके चलते रोहित शर्मा की कप्तानी जो है वो शानदार है एकदम, ऐसा श्रेयस अय्यर का कहना है। इसके बाद श्रेयस अय्यर से एक और सवाल किया गया कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर के टीम इंडिया किस तरह से दिखाई दे रही है। तो श्रेयस अय्यर ने बोला, आप जो भी कुछ मैदान पर देख रहे हैं, जिस भी तरह का हमारा प्रदर्शन मैदान पर हो रहा है, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के दरमियान है और वो है T20 वर्ल्ड कप। जो भी कुछ हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी हमारी तरफ से प्रदर्शन हो रहा है, सिर्फ T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए ये सारी चीज़ें हैं और T20 वर्ल्ड कप के लिए ही सब कुछ तैयारियाँ चल रही है। तो इस तरह से श्रेयस अय्यर ने इस बात का जवाब दिया। तो तमाम खबरें जो भी आज की बड़ी बड़ी थी वो सब मैंने आपको बताई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप उसको लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट करके आप भी बता सकते हैं कि
कौन सी खबर आपको ज़्यादा बेहतर लगी? विराट कोहली का जो 100वां टेस्ट मैच है, इस पर क्राउड को अलाउ कर दिया गया, इस पर आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है, आपसे हर रोज़ मुलाकात होती रहेगी जैसे हो रही है, और खबरें आपको जो भी कुछ बड़ी बड़ी हैं वो सारी मैं क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड या स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड बताता रहूँगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है, आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।